हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। आज कुरल ड्रॉ की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथ में हम समझेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पैनल को और इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ पर कुछ शेप्स देख सकते हैं जिनके ऊपर हम अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। अब अलाइनमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अलाइनमेंट पैनल ओपन करना पड़ेगा। आप जाएंगे विंडो में और डॉकर्स, और आपको यहाँ पर मिलेगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैनल ओपन हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर सभी डिम है, जितने भी आइकन यहाँ पर दिख रहे हैं ये एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, अब पैनल में अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पर अलाइनमेंट और अलग अलग वेज में आप कैसे अलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में नीचे जो ये वाला सेक्शन है, ये है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, स्पेसिंग जो रहती है बीच में, स्पेसिंग आप जो रखना चाहते हैं वो, उसके लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स इस तरह से रखे हों या ऐसे रखे हों, तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर, राइट। और फिर उसके बाद में जो नीचे यहाँ पर दिख रहा है ये टेक्स्ट के ऑप्शन है। जब आप कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है, राइट। तो इनको हम समझेंगे सभी को एक के बाद एक। सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अलाइनमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को तो आप ये आइकन से समझ सकते हैं कि आप कौन सा अलाइनमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से ऑब्जेक्ट है तो हम ये वाले यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है अलाइन बॉटम। अब उससे पहले हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ के थ्रू देखेंगे यहाँ पर कि जैसे अगर आपको टॉप अलाइन करना है, ठीक है, टॉप अलाइनमेंट मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट्स का टॉप एक ही लाइन में आ जाए, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है टी। मैं यहाँ से टी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे सभी का जो टॉप है वो एक लाइन में आ चुका है। फिर उसके बाद में सेंटर अगर आपको मैच करना हो तो आप ई करेंगे तो सभी के सेंटर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, आप गाइडलाइन से देख सकते हैं कि सभी के सेंटर्स यहाँ पर एक ही लाइन में आ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप बॉटम अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे बी। और उसी तरह से यहाँ पर हम देखें, इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो हम लोग लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं अगर इनको, तो हम क्या प्रेस करेंगे एल। देखेंगे सभी लेफ़्ट अलाइन हो गए यहाँ पर। सी करेंगे तो सभी के सेंटर मैच हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर आर में प्रेस करूँगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये तो हमने शॉर्टकट कीज़ के थ्रू देखा है। अब मैं यहाँ से इसे हम करते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसे टॉप अलाइन करता हूँ पहले, राइट। तो देखिए यहाँ पर टॉप अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया और ये बॉटम अलाइन हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो शेप है ये हाईलाइट हो गया इस तरह से। अब इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो आप अभी हम अलाइनमेंट कर रहे हैं वो ये वाला ऑप्शन ऑन है अभी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का, राइट। अब इसमें ये होता है कि जब भी आप कुछ अलाइनमेंट करते हैं तो जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट आप लास्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में मैं बाकी को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। अब सबसे लास्ट में जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूं वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो अब जो भी अलाइनमेंट हम करेंगे वो इससे अलाइन होंगे। ये तीनों जो यहाँ पर शेप्स हैं वो इससे अलाइन होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सबसे लास्ट में सिलेक्ट किया है। आप अगर इस ऑप्शन पर जाएंगे आपको दिखेगा अलाइन विद द लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो भी लास्ट में है उससे सिलेक्शन सॉरी अलाइनमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर टॉप अलाइन करता हूँ तो देखिए इससे सब टॉप अलाइन हो गए और ये वाला ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया है, दैट मीन्स कि ये वाला हमारा लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट को ऐसा ले लेता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करना है आपको, मल्टीपल सिलेक्शन जब भी करना है तो शिफ्ट को प्रेस करना है। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट में मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो अब हमारे जो 1, 2, 3 ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो इससे अलाइन होंगे क्योंकि हमने ये सबसे लास्ट में सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैं इसको टॉप अलाइन करता हूँ, राइट, और सेंट्रल लाइन तो देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा उससे यहाँ पर हम अलाइन कर रहे हैं, राइट। सेम यहाँ पर वैसी वर्क होगा जैसे आप सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, राइट। तो सबसे लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ये वाला है। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट अलाइन करता हूँ
ठीक है, तो इससे अलाइन होगा वो, और फिर सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। ठीक है, तो जो भी लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। सो ये इसकी वजह से हो रहा था, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन था। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वो है पेज एज, अलाइन विद द एज ऑफ द पेज। अब पेज की एज मतलब कि ये वाला जो है ये पेज का एज है आपका। ठीक है, तो इसके समझने के लिए मैं दूसरे पेज पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया, और अब हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पेज एज का। और यहाँ से अब मैं अलाइन करता हूँ, मैं अलाइन लेफ़्ट करता हूँ, तो देखिए कहाँ से अलाइन होगा वो, पेज की एज से, राइट, राइट लाइन और सेंटर लाइन, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो पेज से यहाँ पर अलाइन हो जाएगा इस तरह से, राइट। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है वो है पेज सेंटर। अगर मैं इन सबको थोड़ा साइड में रख देता हूँ, ठीक है, अगर इस ऑप्शन को हम ऑन करते हैं और फिर जब हम अलाइनमेंट करेंगे तो अब कहाँ पर अलाइनमेंट होगा, पूरा पेज के सेंटर से अलाइन होगा। ठीक है, ये देखिए पेज के सेंटर पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है, गाइड आ चुकी है, जिससे पता चल रहा है कि वो पेज का सेंटर है। ठीक है, अब हम जो भी अलाइनमेंट कर रहे हैं वो कहाँ पर होंगे, पेज के सेंटर पर ही अलाइन होंगे, तो वो इस ऑप्शन के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, अलाइन विद द सेंटर ऑफ द पेज, क्लियर। सो फिर जो इसके बाद में आता है वो है अलाइन विद द ग्रिड। तो ग्रिड के लिए हमें पहले ग्रिड यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो ग्रिड लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं। ठीक है, ये रूलर्स और इसके आइकन्स होते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस के लिए, और ये तो यहाँ पर आपको दिखेगा शो ग्रिड, राइट। अगर आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड, बेसलाइन ग्रिड। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, हम वो भी समझेंगे बाद में। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट ग्रिड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह का ग्रिड बन जाएगा। ग्रिड बहुत हेल्पफुल होता है जब आप कुछ प्रॉपर एक मेजरमेंट के साथ में कुछ आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो फिर गाइड्स का ग्रिड उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे भी रख लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग सिर्फ अलाइनमेंट का कंसेप्ट समझ रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इनको, और मैं यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करूँगा, और हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अब ग्रिड, अलाइन विद द ग्रिड, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलाइन नहीं होंगे, ध्यान रखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ग्रिड से अलाइन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के पास में जो भी ग्रिड रहेगी, यहाँ पर जो भी लाइन रहेगी वो उससे अलाइन होगी। सेम यहाँ पर ऐसा है इस तरह से, राइट। सो मैं यहाँ पर एक को हम जूम करके पहले एक ऑब्जेक्ट को हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसे, और मैं इसको करूँगा बॉटम अलाइन, राइट। तो आप देखें कि इस ग्रिड से वो अलाइनमेंट हो गया है यहाँ पर। सेम उसी तरह से अगर मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर बॉटम अलाइन कर रहा हूँ, तो आप देखें कि सभी यहाँ पर इस ग्रिड से अलाइन हो गया है। फिर उसके बाद में सेंटर, राइट, तो इसी जितना भी एरिया यहाँ पर कवर किया ऑब्जेक्ट ने उसके अकॉर्डिंगली वो सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में अलाइन टॉप, ठीक है, तो जो भी ग्रिड लाइन यहाँ पर पास में होगी उससे वो अलाइन हो जाएगी इस तरह से, राइट। जब भी आपको अलाइन करना हो ग्रिड के साथ में, ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रिड के साथ में अलाइन कर रहे हैं, राइट, वो किस ऑप्शन से, यहाँ से। फिर जो लास्ट ऑप्शन इसमें आता है वो है स्पेसिफाइड पॉइंट। अब स्पेसिफाइड पॉइंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ये एक्टिवेट हो गया है यहाँ पर, राइट। अब इसके लिए मैं सबसे पहले गाइड्स को यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, 298.82 mm एक्स एक्सिस पर यहाँ पर, ठीक है, इधर कहीं पर आएगा वो, राइट। अभी हम अलाइन करके देखते हैं सबसे पहले, तो हमें थोड़ा क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर अलाइन बॉटम करता हूँ, सभी को पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और अलाइन बॉटम किया मैंने, राइट, तो आप देखेंगे कि वो कहाँ जा चुका है, राइट, वो यहाँ पर आया है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला है 326.272 mm, तो उसने यहाँ पर उसको अलाइन करा है। इसका यह मतलब होता है कि आप कोई सा भी यहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना चाहते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे कि मैं पेज के ऊपर अगर लूँ, यहाँ पर पेज को हम थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर 100 करता हूँ, और नीचे भी मैं 100 ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसको अलाइन करते हैं,
वापस से मैंने सभी को सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा अलाइन बॉटम। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 100 के ऊपर यहाँ पर अलाइन हो चुका है, राइट, क्लियर। सो इस तरह से आप वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर भी आपको चाहिए तो वैसा आप उसको सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा है, ठीक है, आप मैन्युअली भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट को, जिस पॉइंट से आप अलाइन करना चाहते हैं। देखिए जिस तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मेरे ऑब्जेक्ट्स इस तरह से रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पर अलाइनमेंट करता हूँ तो आप देखेंगे वो यहाँ से जहाँ पर भी हमने यहाँ पर क्लिक किया था इस पॉइंट के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है वो, ठीक है, 149.6 यहाँ पर वाई एक्सिस पर, राइट। तो इस तरह से वो अलाइनमेंट होगा। सो आई होप आप लोगों को अलाइनमेंट के ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट को। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस। अभी ऑब्जेक्ट्स आपके इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, तो हम ये वाले आइकन्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स विद इन द बाउंडिंग बॉक्स दैट सराउंड्स देम। अब बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है, बाउंडिंग बॉक्स जब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक पूरा एक बॉक्स बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये जो ब्लैक स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है। यहाँ पर हमने सभी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एक बाउंडिंग बॉक्स पूरा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अभी मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। सो लेफ्ट साइड से सभी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और मैंने यहाँ पर कर दिया डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, राइट। तो आप देखेंगे कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे शेप्स हैं यहाँ पर उनकी सबकी विड्थ अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब सभी ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से ये वाला जो है ये इक्वल डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, राइट। और फिर उसके बाद में जो आएगा वो है डिस्ट्रीब्यूट राइट स्पेस ऑब्जेक्ट्स इवनली फ्रॉम द राइट एज, ठीक है, राइट एज से सभी का इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो इस तरह से, राइट। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली प्लेस इक्वल स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली। अगर आप सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में इक्वल स्पेस चाहते हैं तो फिर आप किसको यूज़ करेंगे, लास्ट वाले को, ठीक है। तो सभी के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, राइट। सेम इसी तरह से अगर आपके ऑब्जेक्ट्स अब इस तरह से रखे हुए हैं ठीक है तो फिर आप इनको यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट टॉप, राइट। सो जो टॉप है यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट के टॉप से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद में है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, सेंटर से होगा, देन उसके बाद में बॉटम से, और ये वाला है लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। अगर आपको इक्वल स्पेस रखना है तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे, राइट। तो सभी के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल हो जाएगा। सो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन था ये हमने अभी यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको वो है पेज एज, ठीक है। अभी हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब पेज की एज से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैं इसे साइड में रख देता हूँ, हम इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देखिए ऑब्जेक्ट्स आपके ऐसे रखे हो या इस टाइप से रखे हों, ठीक है, दोनों का मेथड एक जैसा है। तो हम इसके ऊपर समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट किया और अब हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पेज एज, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, पेज की एज से होगा पूरा इक्वल, राइट। इस तरह से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पेज की एज से, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके सामने ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली, और कहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, पेज एज से कर रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पेज की एज से आएगा वो। सेम इसके ऊपर भी हम यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पेज की एज से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर। फिर जो उसके बाद में लास्ट ऑप्शन इसमें आता है वो है ऑब्जेक्ट स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स बाय स्पेसिफाइड अमाउंट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें मैं इसे डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि सभी के बीच का जो स्पेस रहे वो इवन रहे, और आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है 2 mm by 2 mm, हम इससे करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच का स्पेस कितना आ गया, 2 mm है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको 5 mm अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं मैन्युअली। और यहाँ से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अब यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, ये 5 mm का डिस्टेंस है सभी के बीच में। क्लियर, सो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन तीनों को, ऑप्शंस को यूज़ करके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में, देन पेज एज से, और लास्ट वाला जो है ऑब्जेक्ट स्पेसिंग, यहाँ पर आप एक कुछ वैल्यू डिफाइन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम अगर आपके ऑब्जेक्ट्स इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये सब सेम एक ही तरह से वर्क करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट के भी कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। जब आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तभी ये एक्टिवेट होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट लाइन बेस लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन बेस लाइन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका एक पैराग्राफ हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर गाइडलाइन लेके आता हूँ मैं, ठीक है, तो ये एक बेस लाइन रहती है, ठीक है, जहाँ पर सभी जो लेटर्स हैं वो एक लाइन में आ रहे हैं, तो उस लाइन को बेस लाइन कहा जाता है। अब मैं तीनों पैराग्राफ्स को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और कौन सा फर्स्ट वाला हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करते हैं, फर्स्ट लाइन बेस लाइन, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर अलाइनमेंट करता हूँ। हम ये वाला अलाइनमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले मैं टॉप अलाइन करता हूँ मैं, राइट। तो देखिए ये वाला जो यहाँ से क्यों अलाइन हो रहा है, वो इस वैल्यू की वजह से हो रहा है वो, ठीक है, इस वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि सभी जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, सभी की जो बेस लाइन है यहाँ पर वो एक लाइन में आ चुका है। सो इस तरह से आप फर्स्ट बेस लाइन से इसको अलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आता है आपका ऑप्शन है वो है लास्ट लाइन बेस लाइन। ठीक है, अगर लास्ट लाइन से सभी की बेस लाइन को आप मैच करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया लास्ट लाइन बेस लाइन। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बॉटम लाइन करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि सभी की जो बेस लाइन है यहाँ पर सभी पैराग्राफ्स की, वो एक ही लाइन में आ चुकी है। फिर जो लास्ट ऑप्शन इसमें आता है वो है बाउंडिंग बॉक्स, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट फ्रॉम द बाउंडिंग बॉक्स। सो मैं सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और हम यहाँ पे इसे क्या सिलेक्ट करेंगे, बाउंडिंग बॉक्स, और अब हम अलाइन करके देखते हैं। तो अब देखेंगे कि अब जो अलाइनमेंट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बाउंडिंग बॉक्स, आप देखेंगे सभी यहाँ पर एक लाइन में आ चुके हैं यहाँ पर। क्लियर, सो इस तरह से आप अलग अलग वेज में अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टॉप अलाइन करता हूँ तो आप देखेंगे, ठीक है, वो इस ऑप्शन की वजह से हो रहा है, स्टॉप, वो इस ऑप्शन की वजह से हो रहा है, बाउंडिंग बॉक्स की वजह से, स्टॉप, वो इस ऑप्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट फ्रॉम द बाउंडिंग बॉक्स। क्लियर, सो आई होप आप लोगों को टेक्स्ट के ऑप्शंस भी क्लियर हो चुके होंगे। फिर जो यहाँ पर एक लास्ट दिख रहा है स्टॉप, फिर जो आपको यहाँ पर एक लास्ट दिख रहा ऑप्शन वो है यूज ऑब्जेक्ट आउटलाइन। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते, ठीक है, अब मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और मैं इसे ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूज़ ऑब्जेक्ट आउट। देखिए सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ करके आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा। अगर मैं अलाइन करता हूँ बॉटम अलाइन, तो आप देखेंगे कि अलाइनमेंट जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ मैं और फिर से मैं अलाइन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि अलाइनमेंट कहाँ से हो रहा है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है वहाँ से हो रहा है, राइट, तो वो इस ऑप्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर, सो आई होप आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। थोड़े और शेप्स के साथ में आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, अलग अलग वेज में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्रेम्स वगैरह भी अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं इसे अंडू कर देता हूँ, जो टेक्स्ट फ्रेम्स हम लोगों ने अभी यूज़ की थी, ठीक है, यहाँ पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने 3 यहाँ पर फ्रेम्स बनाई है, इनको भी आप यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं प्रॉपर वे में,
ठीक है। सो इस तरह से कुछ अलग अलग वेज में इनको यूज़ करके देखिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।